नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं, ट्रस्ट मी म्यूचुअल फंड्स के ट्रस्ट मी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये NFO ओपन हुआ है 5 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 19 अप्रैल 2024 को और ये स्कीम 5 बिजनेस डेज के अंदर कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी। तो इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। ये कैटेगरी कुछ ही साल पहले लॉन्च हुई है और इसके अंदर लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन जैसे मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन फिक्स होता है 25%, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ऐसा कोई भी एसेट एलोकेशन फिक्स नहीं है। यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है कि मिनिमम 65% इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। फंड मैनेजर इक्विटी का एलोकेशन 65% से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इक्विटी एलोकेशन 65% होना चाहिए। बाकी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना भी एलोकेशन रख सकते हैं। तो ये होती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब अलग अलग मार्केट कैप में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट कैप के लीडर्स हमेशा बदलते रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस हमेशा बदलता रहता है। तो इस टेबल को देखिए। तो इस टेबल के अंदर 2006 से लेकर 2023 तक के लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का एनुअल रिटर्न दिखाया है। जैसे कि 2006 में लार्ज कैप का रिटर्न था 40%, मिड कैप का था 29% और स्मॉल कैप का था 33% और लार्ज कैप विनर था। 2007 में विनर था स्मॉल कैप, 2008 में विनर था लार्ज कैप, उसके बाद में स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। उसी तरह से आप इस टेबल में देख सकते हैं अलग अलग साल का मार्केट कैप का टॉपर अलग अलग था। और बिल्कुल इसी तरह से मार्केट कैप के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं उसका भी परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, उसमें भी टॉपर्स लीडर्स बदलते रहते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 2023 तक के टॉप 3 एंड बॉटम 3 सेक्टर्स। जैसे कि 2014 की बात करें तो फार्मा टॉप पर था, PSU बैंक सेकंड, प्राइवेट बैंक थर्ड पर और बॉटम में टेलीकॉम, मेटल्स एंड ऑटो। 15 में आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक टॉप पर था, ऑटो सेकंड, PSU बैंक जो सेकंड था 2014 में वो यहाँ 15 में थर्ड पर है और इसी तरह से बॉटम 3 के भी सेक्टर्स बदल गए हैं। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के साथ साथ सेक्टर्स के भी टॉपर्स अलग अलग होते हैं। तो अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सभी सेक्टर्स और सभी मार्केट कैप का फायदा उठाने के लिए हमें सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस NFO के पोर्टफोलियो क्रिएशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है 900 से 1000 स्टॉक्स का। स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा फिल्टर से 200 से 250 स्टॉक्स और पोर्टफोलियो सिलेक्शन होगा 40 से 60 स्टॉक का। मतलब कि इस NFO में 40 से 60 स्टॉक के बीच में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब इस NFO के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर 65 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। 0 से लेके 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज। अब इस NFO के स्कीम डिटेल्स की बात करें तो नाम है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड, बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर एंड ऑप्शन में, ग्रोथ एंड डिविडेंड, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट सारे प्लान ऑप्शंस अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड नील है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 160 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 160 दिन के बाद रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 रुपए और कोई भी अमाउंट में। मंथली SIP आप कर सकते हैं 1000 रुपए की, क्वार्टरली SIP आप कर सकते हैं 3000। फंड मैनेजर है मिस्टर मिहिर वोरा एंड आकाश मंगानी। NFO पीरियड है 5 अप्रैल से 19 अप्रैल। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अब इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे की बात करें तो पहला है यहाँ पर लार्ज, मिड एंड स्मॉल सभी प्रकार के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होगा। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है तो इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। सभी प्रकार के मार्केट कैप साइकिल में इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल रहेगा। ये थी इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। अब बात करेंगे कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है यानी कि नए इन्वेस्टर है वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन की तलाश में है उनके लिए भी ये स्कीम अच्छी है और जो इन्वेस्टर कोर इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं
उस प्रकार के इन्वेस्टर इस एनएफओ में स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी जेन्युइन रिलायबल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप इस एनएफओ में स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से मिलेगी, वहां से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी ट्रस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।